जिला सागर मध्य प्रदेश गिरवर ग्राम पंचायत में बारिश न होने के कारण किसानों को भारी नुकसान। सोयाबीन की फसल पूर्णतः किसानों की नष्ट हो गई और किसान शासन से गुहार लगा रहे हैं किसानों के लिए मुआवजा दिलाया जाए। ऐसे में किसानों के चेहरे पर भारी उदासीनता छाई है। किसान बेबस मजबूर लाचार हो गया है। और जब इस संबंध में हमने ग्राम पंचायत के सरपंच बिहारी आदिवासी से बातचीत की तो उनका कहना था कि लगभग हमारे ग्राम में 500 किसान हैं और पूर्णतः सारे किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। और सरपंच से किसानों ने संपर्क भी साधा है और सरपंच का कहना है कि हम जो किसानों का नुकसान हुआ है इस संबंध में सागर कलेक्टर महोदय को जल्दी अवगत कराएंगे। अब देखना ये होगा कि शासन प्रशासन यहाँ के किसानों के लिए क्या राहत देती है। क्या नाम है आपका? रोहन। तो आपका नुकसान क्या हुआ है? नुकसान हुसूरा भी सूख गया सर। तो आप क्या चाह रहे हैं अभी? अब जो चाह रहा है कि अधिकारी लोग आवे देख ले में ये किलान फसल को मुआवजा है या बीमा है कछु भी तो मिल सके हमारे किलान। बारिश कब से नहीं हुई है? बारिश में एक महीना होगा पूरा गरो ही नहीं है। एक पानी गिरो तो सुबह नहीं करी जब से एक ही पानी नहीं गिरो बिल्कुल। तो सोयाबीन की फसल क्या नष्ट हो गई? सोयाबीन की पूरी नष्ट ही हो गई। खेत के खेत डरे पूरे सूखे। क्या नाम है आपका? शिवनारायण पात्र। तो यहाँ किसानों का नुकसान कितना हुआ है? आप किसान हैं? जी हाँ। तो क्या बोया था आपने? सोयाबीन। तो कितना नुकसान हो गया आपका? वो तो 100% है। तो क्या कोई अभी यहाँ अधिकारी नहीं पहुँचा है सर्वे के लिए? आप लोग के द्वारा कोई लिखित में सूचना दी गई अधिकारी? हाँ, सरपंच साहब को दी गई है। अभी वो बता रहा है कि मंगलवार को जाएंगे सबको लेकर कलेक्टर साहब से।